को जो टेस्ट करना था वो करके आते हैं और आप सबको कुछ चीजें बताने की कोशिश बात करते हैं सबसे। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि क्या सीन हुआ था भाई, क्यों मैंने वो गाड़ियाँ नहीं ली और मैं वो डिलीवरी क्यों डिले करती और फिर मैंने बताया भी नहीं आप सबको। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो, हम भी ठीक है भाई। टाइम हो चुका है फिलहाल 8:30, जिम के लिए रेडी हो चुके, फिर वर्कआउट मैंने ले लिया है और एक इसके साथ एलकारना टाइम। हाँ मजबूत मैं भाई घर का आदमी हूँ, ठीक है। हाँ तो जिम चलते हैं और मैंने कैमरा नहीं उठाया था आज और मैं सोच रहा था अभी जो ऊपर ही आपको दिख रहा होगा ना ये हेयर से ये माइक के दिख रहे हैं बेसिकली आपको। तो भाई अपन जिम जा रहे हैं, फिर वर्कआउट ले लें क्योंकि मैंने आल का सारा था तो मैं कहा चल ले लेते हैं और सैटरडे वैसे आज तो। और इसके बाद हम सोच रहे जिम के बाद मैं इस गाड़ी को टेस्ट करके आऊँ क्योंकि इस गाड़ी का जो सामान था हॉर्न और एक चीज़ और थी जो आने वाली थी तो हॉर्न में भी शायद ट्यूजडे तक आ जाएगा क्योंकि हॉर्न बजता बजता बंद हो जाता है कई बार इसका, तो हॉर्न चेंज था इसका तो उन्होंने तो कंपनी वाले ने ऑर्डर डाल दिया था तो वो करेंगे। बाकी इसको आज लेके चलेंगे आज मुंबई एक्सप्रेसवे पे, मगर चलो इसमें प्रॉब्लम वैसे थे बेसिकली है नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम, बट फिर भी चेक करने में क्या जाता है क्योंकि चेक करके आएंगे और देखेंगे कि ये कैसा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो गाड़ी क्योंकि कंपनी में जाएगी, हॉर्न चेंज होकर आएगा इसका, हॉर्न चेंज कराओगे सीधा सीधा ट्रिप पे निकल जाएंगे। और यहाँ पे अगर इशू दिखा तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर उनसे बोल दूंगा सर ये प्रॉब्लम है इसमें और इसको वीडियो बना के दिखा दूंगा। चलेंगे आज बस, क्योंकि दिन में तो यार देखो बहुत धूप होती है, मन ही नहीं करता दिन से दिन में निकलने का और ऊपर से हम सो के भी नहीं उठते। और एक बात और भी करनी है, उसका हिंट दे देता हूँ अभी आपको कि भाई आप सब बोल रहे थे अज्जू भाई आपने 2-3 गाड़ियाँ बुक की थी, मैंने एक बार फॉर्चुनर बुक करी थी ठीक है, उसके बाद फिर मैंने महिंद्रा में थार बुक करी थी, मैं आपको बता दूँ इसके अलावा मैंने होंडाई में भी की थी एक गाड़ी, तो मैंने की तीनों जगह बुक थी, बट वो गाड़ी मैं क्यों नहीं ली उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ आज कि क्या रीज़न था जो मैंने गाड़ी नहीं ली या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ अपने आने वाले 2-3 महीनों में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज आपसे डिस्कस करूँगा। चलो भाई एक्सरसाइज हो चुकी है अपनी कंप्लीट, आज बढ़िया हो गई। और क्या लगाया था 15 मिनट कार्डियो और वो भी ट्रेडमिल की है इंक्लाइन 12 पे, इसके अलावा चेस्ट बैक बाइसेप्स ट्राइसेप्स और शोल्डर सारी मिक्स लगी है, बट वो लगी जल्दी जल्दी में, मतलब वेट बहुत कम किया, मतलब रेस्ट बहुत कम लिया, मुश्किल से 5-8 सेकेंड का रेस्ट ले रहे थे उसके बाद सीधे एक्सरसाइज की। तो भाई फिलहाल आ चुके हैं वापस घर, जिम गया था, जिम से भाई वापस आया नहाया कपड़े चेंज किए क्योंकि भाई आज एक्सरसाइज बहुत अच्छी हुई हैवी वाली हुई और भाई मैं कहता रहा हूँ मज़ा आ गया। तो फिलहाल टाइम हो चुका 11 बज रहे हैं एंड अभी चलते हैं भाई थोड़ी देर के लिए पेड़ी मारते हैं, मतलब कि गाड़ी को जो टेस्ट करना था वो करके आते हैं और आप सबको कुछ चीज़ें बतानी थी वो भी बात करते हैं आप सबसे, क्योंकि आप सबने पूछा था ना जो भाई आपने बहुत सारी कमेंट्स आ रखे थे जो भाई आपने गाड़ी क्यों नहीं ली, आपने बहुत सारी गाड़ी बुक की थी तो उसके बारे में बात करेंगे क्यों नहीं ली, क्योंकि लाइट चली गई है, अब लाइट नहीं आई तो लाइट वैसे आ नहीं रखी घर पर, अंधेरा हो रखा पीछे सारे में, तो इसलिए मैं गाड़ी की लाइट और DRL से ऑन करके जब शूट करा था मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि क्या सीन हुआ था भाई, क्यों मैंने और गाड़ियाँ नहीं ली और मैंने वो डिलीवरी क्यों डिले करती और फिर मैंने बताया भी नहीं आप सबको। मेन चीज़ थी भाई पहले मैंने फॉर्चुनर सोची थी लेजेंडर, बट भाई वही चीज़ थी कि मुझे लगा कि कुछ दिन बाद मतलब ऑलमोस्ट 4-5-6 महीने बाद नई वाली फॉर्चुनर आ जाएगी, तो इसलिए क्यों भाई पैसे खर्च करने, ठीक है। उसके बाद फिर एंडीवर की हाइप आ गई कि भाई एंडीवर आ रही है, तो इस वजह से मैंने वो ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे हिमांशु बम्बुआशु के लिए गाड़ी लेनी थी जो तीनों ये जिम या फिर घर पे चाहिए होती गाड़ी, क्योंकि तीन ही गाड़ी हमारे पास स्विफ्ट और SUV और डिफेंडर तो ऑलमोस्ट मुझ पे रहती है, तो इसलिए तो भाई उनको मैंने गाड़ियाँ दिखाई, किसी ने एक ने वरना पसंद करी, एक ने करी थार और एक ने करी भाई सेल्टॉस। तो घर वालों ने बोला काम करो थार ले लो वो बेस्ट रहेगी गाड़ी इनके हिसाब से भी थार अच्छी रहेगी, तो सबने थार पसंद कर ली। फिर भाई थार 5 डोर में जब मनाली से आ रहा था मैंने थार 5 डोर देखी, मैं कहा यार क्या प्यारी गाड़ी है और
उम्मीद यही है कि कुछ दिन बाद फाइव डोर थार लॉन्च होने वाली है, तो भाई मैं क्यों थ्री डोर में पैसे फूकूं। इस वजह से मैं चुप लगा गया, इसलिए मैंने वो गाड़ी को होल्ड पे ही छोड़ दिया। बुकिंग है, मैंने कैंसिल नहीं की, मैंने होल्ड पे छोड़ दिया। मैं अगर लगता है कि फाइव डोर थार आएगी तो क्यों ना भाई उसको लिया जाए। फिर मैं अगर मैं अभी थ्री डोर ले लेता हूँ उसको सेल करने जाऊँगा उस टाइम, क्योंकि अगर आप सोचोगे आपके पास थ्री डोर थार है और आप फाइव डोर पे चेंज करोगे तो बहुत सारी थार एकदम से बिकेंगी, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है जो वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाएंगी जितनी मैं सोच रहा हूँ या फिर मुझे लग रहा है, उतनी अच्छी जितना मुझे पता है उतनी अच्छी नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपन फाइव डोर थार ले लेंगे कुछ दिन वेट करके, तो मे बी शायद अगस्त या फिर जून में बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त या फिर इस टाइम डिलीवरी डन है। तो ये था मेन चीज। चलो मैंने बम्बू से बोला तो बम्बू कह रहा ना भाई मैं तो घर ही हूँ। अब मैं यार क्या करूँ बताओ, मेरे को यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा अपने आपकी बॉडी पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा मन भी नहीं कर रहा कि ट्रिप पे चला जाऊँ, वरना मेरा ट्रिप पे जाने का बहुत मन है। पर मैं देखता हूँ तो एक तरफ की शरीर यार हाँ बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस वजह से मैं कि मतलब पहले बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान दे लेता हूँ। ट्रिप आई नो हम करेंगे, मैंने सामान भी बहुत सारा मंगाया है जो कि मैं आज आपको दिखा दूंगा या फिर कल के ब्लॉग में दिखा दूंगा, जो कैंपिंग से रिलेटेड सारा सामान जो मैंने मंगाया ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार रुपये का था। एक दो सामान मेरे कल मंडे को आ जाएंगे। तो भाई फिलहाल इसमें भरवा रहा हूँ पेट्रोल 166 पेट्रोल भरवा लेते क्योंकि हाईवे पैसा हो जाता है, कई बार बंद रहते हैं यार वो हाई पेट्रोल पंप। एक चीज़ तो है कैमरे से व्लॉगिंग करने का तो एक अलग मजा, यार मेरे पास वो वाला लेंस भी आएगा दूसरा वाला भी ये वाला भी, तो इसको यूज़ करेंगे हम आउटडोर शूट के लिए जब हम करेंगे ना, अभी देख रहे कब तगड़ा मज़ा आ जाएगा इस लेंस से। और ये है भाई 50mm 1.4 अपर्चर के साथ। तो भाई अभी फिलहाल मैं निकला तो देखा भाई जो ये रास्ता है सोना की तरफ जाता है जो नया हाईवे बना है ये पूरा ही बंद कर रखा है, क्योंकि भाई मैराथन चल रखी है पूरे रोड पे आदमी भाग रहे हैं। मैं कहा बंद कैसे कर रखा है, अब हम नीचे नीचे से जा रहे हैं, पता नहीं कितना रास्ता बंद कर रखा है, मगर यार हमारे रिव्यू करवा दो ऐसे मैराथन पर हम गाड़ी में बैठ के भागेंगे जब आएगा मजा। तो भाई फिलहाल चढ़ चुके हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे, अभी इसको देख लेते हैं भाई भगा के। अब कैमरा उधर देखूंगे पर यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि इसको कंटिन्यू ऑलमोस्ट मेरे को 100 किलोमीटर इसको भगाना है गाड़ी को, उसके बाद देखना है कि गाड़ी हीट होने के बाद पावर छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। छोड़ती होगी तो फिर तो कंपनी में जाएगी, नहीं छोड़ेगी तो बढ़िया बात है, क्योंकि सर्विस के बाद मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अब तुम आवाज़ देख रहे हो गाड़ी कैसे भग रही है, खींचा खींच खींच चल रही है। अब गई गाड़ी 140-160 कैमरा ना है, अब ऐसे भगा के दिखा तुम आपको दिखाता हूँ। चलो उधर देखो किलोमीटर ड्राइव कर लिया, गाड़ी लगा दी वहाँ पे पार्किंग पे, यहाँ पे फूड कोर्ट है, मगर चलो कुछ ले ही लेते हैं खाने के लिए क्योंकि खाना ज़रूरी है भाई। भाई बहुत गाड़ी लाइट मार रहा है भैया। देखो गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर मैंने ना 130-140 से ऊपर चलाई, मतलब 150 के आसपास, बट गाड़ी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ना हीट हुई ना गाड़ी कुछ हुई, तो मस्त चल रही गाड़ी, बढ़िया भग रही है। वैसे मैं सोच रहा था कि गाड़ी को स्टार्ट छोड़ दूँ, बट फैन की यार थोड़ा समझे करो बात को, कि पता लगा कोई भाई लेके जा रहा हूँ टेस्ट शू कर रहा है। मैं अभी फिलहाल डाइटिंग पे चल रहा हूँ, भाई ने बताया मोमोज है, चाउमीन है, और क्या बताया था, चिली पटेटो, ये सारी चीज़ें। बट अभी भाई वाली बात है, इतने देर मेहनत करके एक डेढ़ घंटा रहा कहीं हो जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें खा ली फिर तो हो गया हमारा काम। बट भाई अभी जाके ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हो गया, क्राउड रहने लग गया, वरना जब स्टार्टिंग में खुला था तब इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, और फिर ये पहले क्या होता था 11-11:30 बजे तक तो खुलता था। तो भाई अब 24 घंटे खुलता है, 24 घंटे खुलता ना, हाँ अब 24 घंटे खुलता, पहले ही खुलता था, पर पीछे मैकडी भी खुल गया, पर मैकडी 11 बजे तक खुलता है ना।
नेक्स्ट 11 बजे तक खुलते हैं। साइड में डोमिनोज का भी वो भी आ गया, तो मतलब अब सही है। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है वैसे वैसे इस रोड पर रौनक भी बढ़ती जा रही है। वरना तो भाई जैसे अभी उसपुर वाले रूट पे थे ना हम, कोटा से आगे आगे रूट पे थे जब हम अभी आ रहे थे साउथ ट्रिप से, तब हमारा टायर पंचर हुआ था वहाँ पे। तो भाई बंदा ही नहीं, गाड़ी नहीं थी, तो खाने का सामान तो तब होगा जब गाड़ी होगी। अपना जब भी मन ना, अगर अपने मुंबई एक्सप्रेस वे अपने पास में, भाई सीधे चढ़ो और अपना एक थेरेपी मिल जाती है एक लंबे ड्राइव के बाद ना। देखो जो ड्राइव करना जिनको पसंद है ना, उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ये भाई जो भाई सही कह रहे हैं। जिनको नहीं है पसंद आती ड्राइविंग, उनके लिए तो ये होता है जो भाई पागल है क्यों घूम रहे फिर फालतू में। बट भाई नहीं, सही में एक कॉफ़ी मिल जाए, एक ऐसा लंबा खाली रोड मिल जाए, अपना गाड़ी हो, मज़ा आ जाता है यार। और नाइट ड्राइव में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। दिन की ड्राइव में तो धूप वूप वैसे भाई बहुत पागल हो रहा है इस टाइम, तो गर्मी पड़ रही है, मैं ओवर एक्सपोज कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, कम कर रहा। तो भाई हमें तो पीछे निकाल दिया भाई ने, और मैं भूल गया, मेरे को पता था कि 10 मिनट तक आपकी एंट्री नहीं हो सकती, जब तक आप एग्जिट करते हो तो उसके 10 मिनट बाद ही आपकी एंट्री है। ये अलग लेवल की वो है, पटेल कह रहा सारा रीड, और क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया तो उसने दिखा दिया ऑलरेडी रीड, तो 10 मिनट के बाद ही दोबारा रीड करेगा। तो मैं कह रहा भाई साइड में लगा लो थोड़ी देर के लिए। तो भाई फिलहाल अभी मैं शूट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ भाई मैं 50 mm के अंदर, और भाई क्या वीडियो निकल के आ रही है, मजा आ रहा है मेरे को खुद को देख के ही। तो भाई गाड़ी में सच बताऊँ, देखो अरे आउट ऑफ फोकस समझा, गाड़ी में देखो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। गाड़ी ने भाई फुल पावर यूज़ करी, फुल पावर जो करनी थी गाड़ी को, मज़ा आ गया। मतलब मैं बताऊँ मैं गाड़ी भाई खोरी भगा के लाया, गाड़ी ने एवरेज पता क्या देने लगी, 3.5 की एवरेज दे रही गाड़ी भाई फिलहाल, और मज़ा आ गया सच बताऊँ तो। मैं सोच रहा था मैं यार कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट ट्रिप पे जाना, मैं चाहता नहीं था गाड़ी खड़ी हो, बट नहीं गाड़ी में तन सा भी छोटा सा भी इशू नहीं आने लगा मेरे को, छोटा सा माइनर सा भी। ओ भाई ट्रक आ गया घर, और करते जाके एडिटिंग। एंड जो मैंने आपको बताया था गाड़ियों क्यों नहीं ले रहा था, मैं इस वजह से नहीं ले रहा था। हाँ, और आप सबके लिए बोल रखा था ना कि एक गाड़ी में जो प्लान कर रहा हूँ सुपर चार्ज, तो यार वो गाड़ी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, बट बाकी इसमें हॉर्न का इशू है, वो भाई बुधवार को सही हो जाएगा, बाकी नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। मुझे मतलब पहले फील हो रहा था, बट उसका रीज़न का उन्होंने यही दिया था कि सर इसका जो फिल्टर था वो चौक हो रखा था, तो भाई फिल्टर बहुत भयंकर चौक हो रखा था। अब गाड़ी जैसे भाग रही है, ज़्यादा हीट हो रही थी, उसके बाद गाड़ी को जितना ऑक्सीजन चाहिए था शायद वो नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से गाड़ी हीट हो रही थी। कोई नहीं, अपन लॉन्ग ड्राइव पे भी हो गए, बट ऑलमोस्ट मैंने भाई इसमें पेट्रोल भरवाया था 6,000 रुपये का, फुल हुई थी 6,000, मतलब इसमें पहले भी पेट्रोल था, टोटल इसने ऑलमोस्ट निपटा दिया 4,500 रुपये का, 4,500-5,000 का इसने पेट्रोल निपटा दिया। अभी रेंज रह गया इसके अंदर 200 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से लेके निकला था तब इसमें थी 500 कुछ, 515-520 के आसपास।